ये अपने खुद की अपनी उनकी मातृभूमि धरती है, पूर्वजों की धरती है, यहाँ आ रहे हैं और यहाँ सिविल जो हमारी सोसाइटी है उस पूरी तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें राहुल जी एक मुख्य वक्ता के रूप में या संविधान के संरक्षण के रूप में, संरक्षक के रूप में लड़ने वाले की भूमिका में रहेंगे और मैं समझता हूँ कि उसमें शामिल हो रहे हैं और वो पूरी तरीके से समाज के अंदर काम करने वाले लोग, समाज के अंदर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो संविधान ये सरकार के द्वारा चुनाव के समय से और आज तक जो संविधान को पूरी तरीके से रौंदा जा रहा है, संविधान को पूरी तरीके से असंवैधानिक काम किए जा रहे हैं उसके उसको ये राहुल जी ने जिस तरीके से जवाब दिया है, ये उस तरीके के ही कार्यक्रम आयोजित होते हैं। संविधान संबंधी कार्यक्रम है और चुनाव में भी संविधान की प्रतिलिपि जो है दिखा के काफी कांग्रेस को फायदा मिला है, तो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है। देखिए, आपने भाजपा नेताओं की बात सुनी होगी, इनके मंत्री अनंत हेगड़े ने कर्नाटक के जो केंद्र सरकार के मंत्री थे कर्नाटक से, इनके दो तीन सांसदों ने लगातार संविधान को बदलने की बात कही कि 400 सीट दीजिए, संविधान हम बदलेंगे। तो निश्चित लगा राहुल जी को कि ये क्या होने जा रहा है, तो राहुल जी ने उसको फिर मजबूती से उठाया, बीड़ा उठाया और जन समर्थन मिला, जनता का साथ मिला, तो वो आगे और मजबूती से चीज़ें मजबूती के साथ खड़ी रहें, लोगों को ये कभी ना महसूस हो कि केवल चुनाव में हमने संविधान की बात की और आगे हम पीछे हम उस पर चुप हैं, तो ये निश्चित तौर से संविधान के रक्षा की बात, संरक्षण की बात वो लगातार हमारे नेता राहुल जी बोल रहे हैं, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम में आ रहे हैं।